हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और आसान लड्डू की रेसिपी। आज मैं आपको लड्डू बनाना सिखाऊंगी और ये लड्डू फ्रेंड्स मैं आपको बिना चीनी, बिना शुगर के बनाना सिखाऊंगी। किस तरह से बहुत ही हेल्दी आप लड्डू घर में बना सकते हैं, जिसको कि आप एक बार बनाकर रख लीजिए, आराम से आप इसको 2 से 3 महीने तक स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। तो सर्दियों के लिए खास बहुत ही हेल्दी लड्डू है, इसको आप बनाइए बिना शुगर के। आइए देखते हैं कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको बनाने वाले हैं गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो गुड़ ड्राई फ्रूट लड्डू है ये। तो ड्राई फ्रूट्स में हमें क्या क्या लगेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है मखाना। तो लगभग 50 ग्राम के करीब ये मखाना है, इसको कि इंग्लिश में फॉक्स नट्स भी बोलते हैं। इसके साथ ही हमें कोकोनट चाहिए होगा, सूखा नारियल मैंने लिया और उसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया। आप चाहें तो इस तरह से छोटे पीसेज में काट कर रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको ग्रेट कर सकते हैं, कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग 50 ग्राम के करीब छुहारा लिया है, ये भी बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। 50 ग्राम हमने यहाँ पर बादाम लिए हैं, छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 50 ग्राम के करीब ही फ्रेंड्स यहाँ पर हमने काजू लिया है, इसको भी छोटे टुकड़ों में काट कर रखा है। लगभग 25 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने पोस्ता दाना लिया है। लगभग 30 ग्राम के करीब मैंने किशमिश ली है। इसके साथ ही यहाँ पर 50 ग्राम के करीब मैंने चिरौंजी ली है और मैंने लिया है लगभग आधा किलो के करीब गुड़। यहाँ पर मैंने पुराने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो इन चीज़ों के साथ फ्रेंड्स हम बनाना शुरू करेंगे गुड़ ड्राई फ्रूट लड्डू। तो आइए सबसे पहले मखानों को भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में डाला है 2 चम्मच घी। गाय का घी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारी हेल्थ के लिए, गाय का घी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पर गाय का घी इस्तेमाल किया है और कढ़ाई को मैंने गर्म करके इसमें डाल दिए मखाने। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम मखानों को तब तक भूनेंगे जब तक कि मखानों में हल्का सा कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्प नहीं हो जाते, यानी कि बिल्कुल कुरकुरे नहीं हो जाते। तो इसी तरह से मखानों को लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। जैसे ही हमारे मखाने भून जाएंगे, इनको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे और पल्स करते हुए पीस लेंगे। इसको हमें बिल्कुल पीसना नहीं है फ्रेंड्स, इसका पाउडर नहीं बनाना है, इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको भून कर निकाल लिया है प्लेट में, ठंडा कर लेंगे। इसके बाद में इसको मिक्सी के जार में डालकर पल्स करते हुए पीस लेंगे और जो भी टुकड़े बड़े रह जाएंगे तो उसको हाथों से आप फोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका देख सकते हैं आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मिक्सी में इस तरह से तोड़ लिया है। आप चाहें तो इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं और मखाने जो बड़े रह जाएं उनको इस तरह से आप तोड़ सकते हैं। तो मखाने यहाँ पर हमारे रेडी हैं। अब बाकी के ड्राई फ्रूट्स का मैं दिखा देती हूँ आपको कि क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई ली है फ्रेंड्स और उसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून के करीब गाय का घी और फ्लेम को मीडियम कर दें और इसमें डालें बादाम और काजू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर आपको बहुत आसान रेसिपी दिखा रही हूँ तो जिसमें आप एक साथ ही सारे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। एक साथ का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार में डाल दें। तो सबसे पहले मैंने जो सबसे हार्ड हमारे ड्राई फ्रूट्स थे जो कि हैं बादाम और काजू, वो मैंने डाले। इसके बाद में मैंने इसमें छुहारा डाल दिया। छुहारा भी बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए और बहुत खून बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। अब इसमें हम देखिए इस तरह से चिरौंजी भी डाल देंगे, गरी भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन नहीं जाते। बहुत तेज़ आंच में हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, इनको फ्राई होने में लगभग 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। तो पेशेंस रखते हुए इसको आप लो मीडियम फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर ही भूनें। घी अगर आपको कम लगे तो आप बीच में थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए भून लीजिए। ड्राई फ्रूट जब भुन जाएंगे फ्रेंड्स तो आपको खुद समझ में आने लगेगा क्योंकि खुशबू आने लगेगी, साथ ही गरी जो है उसमें भी हल्का हल्का कलर आने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स का कलर है वो काफ़ी चेंज हुआ है। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट ऑलमोस्ट भुन चुके हैं। तो मैं इसको भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और मैंने निकाल लिया है इसको प्लेट में और वापस से मैंने कढ़ाई को खाली करके इसमें डाल दिया है 2 चम्मच घी और इसमें मैंने चिरौंजी डाल दी। जब भी आप चिरौंजी को भूने फ्रेंड्स तो ध्यान रखें आंच धीमी रखें क्योंकि बहुत जल्दी फ्राई होती है, कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है इनको भुनने में। तो देखिए इनको भी आप इस तरह से जैसे ही ये पफ अप होएगा, जैसे ये फूलेगा तुरंत ही आप इसको निकाल लें। आपको लगेगा जैसे ये अंगूर बन चुके हैं तो तुरंत आप इनको निकाल लें। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने एक साथ निकाल लिया। अब इसमें बचे हुए घी में ही हम डाल देंगे यहाँ पर इस तरह से पोस्ता दाना। घी मुझे कम लग रहा है तो मैं 1 चम्मच घी और डाल देती हूँ इसमें और इसको लगभग 2 मिनट तक हम इसी तरह से लो फ्लेम पर या लो मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हल्का सा इसका भी कलर जैसे ही ब्राउन होगा वैसे ही इसको भी हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स के साथ निकाल लेंगे। तो पोस्ता दाना भी फ्रेंड्स बहुत हेल्दी होता है, खून बढ़ाता है और दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज करता है। यहाँ पर जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है एनर्जी देने के लिए बहुत अच्छे हैं, दिमाग को तेज करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं।
बहुत अच्छे मिनरल्स हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा विटामिंस हैं। तो देखिए कढ़ाई हमारी खाली हो चुकी थी, सारे ड्राई फ्रूट्स हमने बाहर निकाल लिए। अब मैंने इसमें डाल दिया एक चम्मच के करीब सौंठ पाउडर, जिसको कि ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं, वो मैंने डाला है। साथ ही मैंने इसमें एक से दो चम्मच घी डाल दिया और इसको कुछ सेकेंड भूनेंगे, लगभग इसको यहाँ पर 15 सेकेंड भूने और फटाफट से हम इसमें गुड़ डाल देंगे। तो लगभग 500 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर पुराने गुड़ का इस्तेमाल किया है। पुराने और नए गुड़ में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ फ्रेंड्स। पुराना जो गुड़ होता है थोड़ा से डार्क कलर का होता है और जो नया गुड़ होता है फ्रेंड्स थोड़ा लाइट कलर का होता है। तो पुराना गुड़ ज़्यादा फायदा करता है, नया गुड़ कम फायदा करता है। तो आपको जो भी गुड़ पसंद हो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। इसको हमें बिना पानी के इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है। इस तरह से गुड़ अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद में हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, आपको सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है, भूनना है और उसके बाद में गुड़ को पिघलाकर सारे ड्राई फ्रूट्स में डाल देने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिए, जैसे ही आप ड्राई फ्रूट डालें आंच को बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम पर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो मखाने भी हमने डाल दिए। अब सारी चीज़ों को बस आपको अच्छे से मिला लेना है ताकि गुड़ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और लो फ्लेम पर ही इसको 3 से 4 मिनट इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, कढ़ाई को आप चाहें तो नीचे रख सकते हैं और अच्छे से ताकि आप मिक्स कर पाएँ, और इस मिक्सचर को आप किसी भी परात में या फिर किसी भी थाली में निकाल लें और हल्का सा बस ठंडा करें, 2 मिनट का वेट करें और उसके बाद में आप इसको बांधना शुरू कर सकते हैं। ये मिक्सचर अभी काफ़ी गर्म है तो मैं आपको लड्डू बांधकर एकदम से तो नहीं दिखा सकती, पर मैं आपको बता देती हूँ जितने बड़े भी आप लड्डू बनाना चाहें अपने हिसाब से मिक्सचर हाथ में लेकर आप लड्डू बांध सकते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं, बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो मिक्सचर है वो हल्का गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडा करके बनाएंगे तो आपके लड्डू नहीं बनेंगे। हाथों में हल्का सा घी लगा सकते हैं और जितने बड़े या छोटे आप लड्डू बनाना चाहें उस हिसाब से बड़े या छोटे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे गुड़ ड्राई फ्रूट के लड्डू बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सर्दियों के लिए खास बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाकर ज़रूर देखें और बनाने के बाद में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दिखने में। आप इनको बिना शुगर इसी तरह से बना सकते हैं, शुगर भी नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ जैगरी यानी कि गुड़ के साथ हमने बनाया है। तो यहाँ पर तैयार है हमारे गुड़ ड्राई फ्रूट लड्डू। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी लिखकर ज़रूर बताएं और बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपकी जो भी रिक्वेस्ट हो लड्डू बनाने की आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वो रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिलहाल तो आप इन्जॉय कीजिए मेरी ये गुड़ ड्राई फ्रूट लड्डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विद यू न्यू रेसिपी। बाय बाय।